हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर से ट्रेन सिमुलेटर में आपका सभी का स्वागत है। लास्ट वाला था पार्ट वन था, आज का है पार्ट टू। तो लेट्स प्ले। पहले चेकआउट करते हैं मैप, मतलब हमको कहां से कहां तक जाना है ट्रेन को लेकर। ओके, मतलब हमें जो ब्लू इंडिकेशन दिया है रूट्स पे, मैप में जो रूट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, जो मतलब इंडिकेट किया है, हमें उसी लाइन पे हमारी ट्रेन को लेके जाना है और आगे जाके रोकना है। तो ठीक है, पहले अपना लाइन सेट कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं अपने लाइन पे। ये हो गया मतलब मेन लाइन से, लूप लाइन से फिर यार्ड में जाने का। दैट्स ग्रेट। फटाफट ये सेटअप कर लेते हैं और फिर हमारी फिर से नाइट ड्यूटी की शिफ्ट हम फिर से चालू कर रहे हैं और एक बार। तो अब हम निकल चुके थे, फटाफट एक्सीलेट करते हैं और फटाफट निकलते हैं और हमारे ये नाइट शिफ्ट आज हो सकता है ये पार्ट टू में ख़त्म हो जाए या फिर कंटिन्यू, नहीं तो फिर एक्सटेंड हो जाए, पता नहीं। बट ट्रेन ड्राइवर का काम यही होता है कि वो अपनी गाड़ी, मतलब जो ड्यूटी मिली है ट्रेन की, वो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है हमें। भले वो ड्यूटी एक्सटेंड हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो अभी फ़िलहाल हम निकल पड़े हैं मेन यार्ड से, हम दूसरे मतलब ऐसे सी टाइप है वो टर्निंग पॉइंट, तो हम पूरा घूम के जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे करना क्या है। लाइट्स ऑफ कर लेते हैं। ओके, सब अच्छे से चल रहा है, वर्कआउट अच्छे से, सब मीटर गेज वगैरह सब अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे ट्रेन की स्पीड लिमिट 10 माइल पर आवर के हिसाब से चलानी है, उसके ऊपर हमें जाना नहीं, क्योंकि हमें ट्रैक चेंज करते हुए स्लोली जाना है। और एक मेन लाइन से कंटेनर वाली फ्रेट ट्रेन जा रही है, जब हमें ओवरटेक करके हुए जा रही है, ओवरटेक नहीं बोल सकते, हाँ ठीक है ओवरटेक ही बोल ले, डबल टेकर कंटेनर है वो। वाह इंटरेस्टिंग। चलो भाई केबिन में जाते हैं, बाहर बहुत अंधेरा है। ओके, लाइट्स ऑफ करना पड़ेगा या फिर नहीं, बट ऑलमोस्ट हम डेस्टिनेशन पे आ रहे हैं तो पता नहीं आगे प्रोसीजर क्या है। ओह वाइपर भी है, चलो यूज़ करके देखते तब तक। वाह मैनुअली भी यूज़ कर सकते शायद, इलेक्ट्रिक से मतलब अपना स्विच से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। ये जो मैनुअली उसमें बहुत मज़ा आता है यूज़ करने को, मतलब वाइपर यूज़ करने को। अभी सब हमारे पास 1000 फीट बचा है, मतलब अभी जो मेजरमेंट हमें जो मिल रहा है अपने स्क्रीन पर उस हिसाब से तो 1000
थाउजेंड स्पीड के आसपास है और 10 माइल अभी भी 10 माइल है। वैसे ये जो एक्टिविटी है अब आज की नाइट ड्यूटी वाली जो कंटिन्यू हो चुकी है लास्ट पार्ट वाली, तो गाइज आपको लास्ट वाला पार्ट कैसा लगा मतलब कमेंट सेशन में बताओ, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़े तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। वैसे यार रात का टाइम नाइट ड्यूटी जो रहती है कोई कोई लोकेशन पे ट्रेन को इतना स्लो डाउन करके डेस्टिनेशन पे पहुँचाना, अरे आजू बाजू तो कोई है ही भी नहीं, अगर इधर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो मैं जाऊँगा कैसे? ट्रेन तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि वहीं पे छोड़ना रहा, यहीं पे छोड़ के जाना पड़ा, तो यार कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए यार। अभी तो पता चलेगा क्या होता है आगे, डेस्टिनेशन तो आ गया हमारा। ओके अप्लाई द ब्रेक, अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे इतने वेट से अपने आप स्लो डाउन हो रही है गाड़ी। ओके चलो तो फिर भी ब्रेक अप्लाई कर ही देते हैं। अप्लाई द ब्रेक, लोकोमोटिव वाला ब्रेक अप्लाई, पीछे कोचेस के भी ब्रेक अप्लाई कर दिया हमने। अभी रुक गए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, फिर से अनकपलिंग करना है। चलो फटाफट हम कपलिंग को अनलॉक कर लेते हैं, मतलब डीकपलिंग करना है। भाई उतर जाओ, और ये अंधेरे में दिखने वाला है, शायद सेकंड लोकोमोटिव में जाके मेरे को बैक हेडलाइट चालू करना पड़े। कभी देखते हैं अंधेरे में कुछ अगर दिखा, कुछ स्विच वगैरह, ऐसे तो कुछ स्विच वगैरह दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में। ठीक है केबिन में जाके मेरे को ये लोकोमोटिव का बैक हेडलाइट चालू करना पड़ेगा, बैक साइड वाला। चलो बैठ जाते हैं फटाफट से, ये अभी हम एक्टिविटी आज का कंप्लीट हो गया, लाइट ऑन सब ऑन कर लेते हैं। चलो भाई यार हेडलाइट चालू कर लेते हैं, स्विच कहाँ पे? हाँ मिल गया। ओके ब्राइटनेस या फिर थोड़ा भी ब्राइट रहा तो भी चल जाएगा, बट ये क्या, ये तो चालू ही नहीं हो रहा है, क्या ख़राब विराब हो गया क्या क्या क्या, फिर बल्ब फ्यूज़ उड़ गया, बल्ब का फ्यूज़ ही उड़ गया। भाई आना आगे का जल ऑन हो रहा है ना पीछे का ऑन हो रहा है, भाई अब करने का क्या है? लेकिन इसको फॉरवर्ड पे पुश करके देखते थोड़ा सा। अरे यार इधर स्विचेस देखते कौन सा है, पर ये हेडलाइट से इस स्विच का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो फिर कैब लाइट भी ऑन नहीं होती। ओके MU 24 वॉल टू लीड और डाइड, अभी ये वॉल कहाँ पे ढूंढने का यार, ये तो ये इंजन ये लोकोमोटिव तो मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ इसको, अगर रेगुलर में ड्राइव करता तो पता चल जाता था। चलो फिर भी चेकआउट कर लेते, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इस ये प्रेस करके क्या होने वाला है? अरे यार इधर तो मेरा फुल टाइम एक्सटेंड हो रहा है। भाई एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट बाहर जाते हैं अंधेरे में, वो डीकपलिंग वाला स्विच मतलब जो लॉक रहता है वो मिल गया तो भी काफ़ी है, एक बार उसको प्रेस कर दिया तो अपने आप डीकपलिंग हो जाएगा, वही करना पड़ेगा शायद कैबिन के बाहर। अभी इससे देखते हैं फाइनली स्विच मिल गया, ये जो इंडिकेट कर रहे थे, देखते हैं स्विच ऑन हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है यार, ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। और ये कब का डीकपलिंग करने बोला, इतने में डीकपलिंग होना चाहिए था। रिलीज़ रिलीज़,
सब तो रिलीज है ब्रेक, बट हो क्यों नहीं रहा है भाई? काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, काफ़ी टाइम कंजप्शन हो रहा है, जबकि अगर मेरी ड्यूटी अगर गलती से इसके वजह से एक्सीडेंट हो गई तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे यार अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ये हेडलाइट ऑन ही नहीं हो रहा है यार। भाई उठ जाते हैं यहाँ से, कैब से निकलते बाहर, जो होगा देखा जाएगा, अगर डिकपलिंग हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो बल्ब है कि नहीं पता नहीं, ये कहाँ ऊपर चढ़ रहा है यार। चलो भाई नीचे उतरो, फटाफट नीचे उतरते हैं। किधर तो भी इधर साइड में एक हुक रहता है, सिर्फ उसको हमें ट्विस्ट करना है। ये तो नहीं है, शायद इधर रहेगा किधर तो भी। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, स्विच अपना लॉक मिल गया, हो गया डिकपलिंग फाइनली, ऑब्जेक्टिव ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से गाड़ी लेके जाना है। अच्छा ठीक है, यार्ड में किधर तो भी पार्क करना पड़ सकता है, बट हमें ये सेकेंड लोकोमोटिव में जाके पहले ब्रेक वगैरह सब अच्छे से रिलीज़ करना होगा, क्योंकि अगर रिलीज़ किया हुआ रहेगा तो ही ये लोकोमोटिव आगे प्रोसीड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसका था वो रिवर्स पे था, अब इसको फॉरवर्ड पे सेट करते हैं। एक्चुअली यूज़ नहीं करने का था मेरे को ये लोकोमोटिव स्विच ऑफ मतलब ऑन नहीं था, बट ठीक है कर लिया हमने ऑन हेडलाइट के लिए, कुछ यूज़ हुआ नहीं। चलो भाई फटाफट फर्स्ट लोकोमोटिव में जाते हैं, हमारी ड्यूटी हम यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है शायद ही। चलो बैठो फटाफट, चलो हम निकल चुके हैं, डिकपलिंग हो चुका है हमारा, प्रॉपरली डिकपलिंग हो चुका है। अभी हमें फिर से शायद सर्कल पूरा घूम के जाना पड़ेगा लगता है, पूरा सर्कल ऐसे यू टर्न मार के फिर हमें वो शायद ये लोकोमोटिव पार करना पड़ेगा कोई तो भी लूप लाइन पे, देखते हैं अभी क्या होता है। तो हमें मैप में दिखा देगा कि पूरा सी ऐसा पूरा रोड घूम के जाना पड़ रहा है। अभी मैप के अकॉर्डिंग तो हमें ये डेस्टिनेशन पे यहाँ तक पहुँचना था, जो हम पहुँच गए। तो अभी पहले स्विचेस देख लेते हैं सब अच्छे से है कि नहीं। ओके, हमें जो ब्लू कलर येलो कलर का जो स्टार वाला था वहाँ पे जाके हमें गाड़ी को रोकने का है फाइनली। हमें यहाँ पे भी फिर से स्पीड लिमिट चेकआउट करके जाना पड़ेगा, फिर से शायद स्पीड लिमिट 10 माइल्स की दे चुके हैं हमें।
तो गाइज आपको आज का ये गेम प्ले ट्रेन सिमुलेटर वर्ल्ड 3 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेशन में बताओ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि और भी गेम प्ले के वीडियो आपको जल्दी से मिल सके नोटिफिकेशन पे। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये गेम प्ले कैसा लग रहा है या फिर कैसा है ये गेम प्ले। तो आज के लिए शायद हमारी ड्यूटी यहीं ख़त्म हो रही है, नाइट ड्यूटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज गेम प्ले वीडियो, थैंक यू। और चलो भाई हम हमारे डेस्टिनेशन पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बस अभी यहाँ से ड्यूटी एक्सटेंड ना हो जाए। ओके, अप्लाई द ब्रेक्स, लोकोमोटिव रुक जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट गेम प्ले में मिलते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस गेम प्ले, बाय।